हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1, लव इज़ इनवैल्यूएबल। सो ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ ओपन योर बुक इन मॉरल वैल्यूज, पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 1। लव इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। द यूज ऑफ द मैजिकल वर्ड्स लाइक सॉरी, थैंक यू, वेलकम मेक अस अ गुड पर्सन। वी कैन बाय एवरीथिंग बट वी कैन नॉट बाय द ट्रू लव। तो जो मेन इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है वो क्या है कि लव क्या है, बहुत ही प्रेशियस थिंग है, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही बहुत मूल्यवान चीज़ है, मूल्यवान चीज़ है। और जब हम लोग किसी के साथ सॉरी, थैंक यू, वेलकम का यूज़ करते हैं तो इस हम लोग क्या बन जाते हैं, अच्छे गुड पर्सन। और जिसके लिए यूज़ करते हैं वो उसको भी अच्छा लगता है। हम लोग हर चीज़ ख़रीद सकते हैं लेकिन क्या नहीं ख़रीद सकते हैं, प्यार, लव। वी कांट बाय लव। नाउ स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। वंस देयर वॉज अ 7-year-old गर्ल, हर नेम वॉज सोनाक्षी सिन्हा। She was very cute and sweet. एक कौन 7-year-old गर्ल रहती थी, उसका नाम क्या था, सोनाक्षी नाम था। She was very cute and sweet. वो बहुत ही प्यारी थी और मीठी थी। Her father Mr. अनिल गुप्ता was a businessman by his profession. उसके फादर कौन थे, businessman थे। और क्या नाम था उनका, अनिल गुप्ता। His business went into loss and he had to deal with the financial difficulties. लेकिन क्या होता है, उनके पापा का बिजनेस चला जाता है लॉस में और उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ यानी कि पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने कहाँ तक रीड कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया है। अब हम लोग कहाँ से रीड करेंगे, हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। वन डे सोनाक्षी टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स कलेक्शन इन ऑर्डर टू रैप अ गिफ्ट बॉक्स। हर फादर गॉट एंग्री व्हेन ही सॉ डॉटर डेकोरेटिंग अ बॉक्स विद द पेपर टू पुट इट ऑन द क्रिसमस ट्री टू बी गिवन अवे एज अ क्रिसमस गिफ्ट। एक दिन क्या होता है कि क्रिसमस आने पर एक गिफ्ट को, एक बॉक्स को सोनाक्षी क्या होती है, गोल्डन का कलर के पेपर से रैप करती है। ये देख कर उसके पापा को गुस्सा आता है। ठीक है, मिस्टर गुप्ता उस आस्क्ड एंगरली, सोनाक्षी व्हाई आर यू रैपिंग दिस बॉक्स विद दिस कॉस्टली पेपर, आई हैव बॉट दिस पेपर फॉर सम अदर पर्पस एंड यू आर वेस्टिंग इट। उसके पापा को देख के गुस्सा आता है और उसके पापा ये कहते हैं, सोनाक्षी तुम ये क्या कर रही हो, तुम इतना महंगा पेपर क्यों इसमें रैप कर रही हो। मैंने इस पेपर को किसी और मकसद के लिए खरीदा था, किसी और चीज़ के लिए ख़रीदा था, कहीं और यूज़ करने के लिए। द लिटिल डॉटर पॉटेड हर लिप्स एंड सेड आई एम सॉरी पापा। तो वो धीमी आवाज़ में क्या कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आई एम वेरी सॉरी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हर आइज बट हर फादर डिड नॉट नोटिस इट। उसकी आँखों से क्या निकल आए, आंसू निकल आए लेकिन उसके पापा ने क्या करा, नोटिस नहीं करा। वन ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट वॉज क्रिसमस, सोनाक्षी कम टू हर फादर विद अ गिफ्ट रैप विद द डेड पेपर। हर फादर regretted for his earlier behavior and received the gift with great pleasure. But when he unwrapped the box and opened it, he found nothing inside it. Again, he was very angry. He asked his daughter, don't you know that empty box should not be gifted to anybody? It should be filled. Something worthy, but you have gifted me an empty box. तो next day क्या होता है, next day Christmas के अवसर पर सोनाक्षी जो होती है, जो उसने एक बॉक्स को रैप किया हुआ होता है कॉस्टली पेपर से, वो किसको गिफ्ट करती है, वो अपने ही फादर को गिफ्ट करती है। अब फादर ये देख के पहले तो थोड़ा उनको अपनी डांटा था उससे थोड़ा ये शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जब वो अनरैप करते हैं बॉक्स को तो वो क्या पाते हैं, वो उनका क्या देखने को मिलता है कि जो अंदर जो बॉक्स है वो तो खाली है। तो वो फिर गुस्सा करते हैं, वो फिर क्या कहते हैं, ये कोई तरीका है बेटा, तुमने किसी को गिफ्ट दोगी और खाली डिब्बा गिफ्ट दे दोगी। अगेन टीयर्स रोल डाउन हर आइज एंड शी आंसर्ड, ओ डैडी रियली द बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, आई हैव पुट सम किसेस इनटू द बॉक्स। लेकिन अब जब उसके पापा उसके फिर से डांट लगाते हैं और ये कहते हैं कि बेटा ये कोई तरीका है, तुमने गिफ्ट दिया वो भी खाली डिब्बा, तो इस पर क्या फिर से रोने लगती है और वो रोते हुए ही कहती है, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारे
किसेस दिए हैं आपको, ठीक है, आपको प्यार दिया है बहुत सारा, दे आर ऑल फॉर यू, और वो सब आपके लिए हैं। नाउ द टीयर्स वॉल्ड अप इन हर फादर्स आईज, अब ये देखकर कि बच्ची का प्यार देखकर कि बच्ची ने डिब्बे में प्यार रख के भेजा है, तो ये देखकर उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल एंड बेग्ड हर फॉर फॉरगिवनेस। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल, अब वो अपने अपने जो हाथ होते हैं उस बेटी कंधे पर रख के उससे माफ़ी मांगते हैं। सेड टू से वन डे व्हेन द लिटिल गर्ल वॉज कमिंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल मेट विद एन एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन हर डेथ, मिस्टर गुप्ता बिकम अनकंसोलेबल। लेकिन एक दिन बहुत ही बुरी घटना होती है, वो बच्ची बेचारी स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसके क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब मिस्टर गुप्ता जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते होते हैं वो अपना होशो हवास खो देते हैं। He picked up the box and put up in the. अब क्या करते हैं जब एक्सीडेंट होने के बाद, क्या करते हैं, He picked up the box and put it by his bed for many years. And whenever he was discouraged, he would take out an imaginary kiss and remember the love of his daughter who had put in the box. अब उन लड़की बच्ची की मर जाने के बाद वो बॉक्स जो होता है, गिफ्ट वाला बॉक्स होता है जिसमें बच्ची अपने प्यार भरे किसेस अपने फादर को देती है, वो इमेजिनरी सोचते हैं कि डिब्बा खोलते हैं और सोचते हैं वाह, एक बार सोचते हैं बस सोचते हैं कि ये मुझे मेरी बच्ची प्यार कर रही है। ही वॉज डिस्करेज ही वुड टेक आउट एन इमेजिनरी किस। ऑल ऑफ अस हैव बीन गिफ्टेड विद अनकंडीशनल लव एंड किसेस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स एंड गॉड। देर इज़ नो अदर पोसेशन एनी वन कुड होल्ड विच इज़ मोर प्रेशियस देन लव। लव इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग इन द इन दिस वर्ल्ड। वी कैन बाई ऑल थिंग्स बट वी कैन नॉट बाई ट्रू लव। इट इज़ इनवेल्यूएबल, इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाई द वेल्थ। तो हम लोग क्या बच्चों सीखते हैं कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो क्या है, प्यार है, लव है। लव से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है, ठीक है। आपके पापा आपको कुछ भी देते हैं, साइकिल देते हैं, बाइक देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है, लव। तो इसमें जो MCQs दिए हुए हैं वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हाउ ओल्ड वॉज सोनाक्षी। सोनाक्षी कितने साल की थी, 7 साल की थी, 6 ईयर्स की थी। सोनाक्षी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। हु वॉज मिस्टर अनिल गुप्ताज डॉटर। मिस्टर अनिल गुप्ता के डॉटर का नाम क्या था, सोनाक्षी था। डैश इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। तो लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस। वॉट डिड सोनाक्षी पुट इन द बॉक्स। सोनाक्षी ने क्या किसेस पुट किए थे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, उसका यूज़ करके आपको सही से फिल करना है। डैश इज़ रोल डाउन ऑन हर चीक्स। उसके क्या रोल डाउन हो गया, क्या आँखों से क्या गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे, क्या गिर रहे थे, आंसू। तो क्या हो जाएगा, 1। मिस्टर गुप्ता डैश फॉर इज बैड बिहेवियर विद डॉटर। मिस्टर गुप्ता ने क्या किया, माफ़ी मांगी, रिग्रेट हुए, शर्मिंदा हुए। 1 day she took a piece of डैश रैपिंग पेपर। 1 day she took a piece of गोल्ड रैपिंग पेपर। कौन सा पेपर उस था, गोल्ड। वी कैन बाय एवरी थिंग बट वी कैन बाय ट्रू लव। हम लोग क्या नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन क्या नहीं खरीद सकते हैं, लव नहीं खरीद सकते हैं। एंड लव इज इनवैल्यूएबल गिफ्ट। अब हम लोग टिक मार्क करेंगे, जो सही होगा उसको टिक लगाएंगे, जो गलत होगा उसको क्रॉस लगाएंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स। लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। मिस्टर अनिल गुप्ता वॉज अनॉयड टू सी हिज डॉटर रैपिंग द बॉक्स विद डैट पेपर, ये भी क्या है, ट्रू है। लव कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाई हेल्थ। लव जो है ये भी क्या है, ट्रू है, कि लव जो है सबसे वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, हेल्थ भी है, लव कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट। अब क्या करना है हम लोग, आंसर क्वेश्चन आंसर करने हैं। हु वॉज सोनाक्षी, सोनाक्षी वॉज द डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल गुप्ता। हाउ ओल्ड वॉज शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। वॉट डिज सोनाक्षी, वाई डिड सोनाक्षी टेक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स रूम। शी टुक शी
शी टुक द पीस टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स रूम टू रैप अ एम्प्टी बॉक्स फिल्ड विद किसेज ऑफ हर फॉर हिज फादर. व्हाई डिड मिस्टर अनिल गुप्ता हैव टू डील विद द फाइनेंशियल ट्रबल. मिस्टर अनिल गुप्ता हैड टू डील विद द फाइनेंशियल ट्रबल विद बिकॉज हिज बिजनेस वेंट इन अ लॉस. व्हाई डिड द टीयर्स वेल अप इन द आईज ऑफ द मिस्टर गुप्ता when after knowing the true thing that the box was not empty, the box was filled with love by his daughter, then he regretted and his tear well up in the and his tear fall from the eyes of the Mr. Gupta. Do you think that love is the most valuable thing in the world? Yes, we think love is the most valuable thing in the world because we can buy anything with the help of money, but what we can't buy love. Okay students, thank you, have a nice day. Ghar pe rahiye, theek hai, aur protect apna aapko protect rakhiye, bahar kam se kam nikaliye, aur thank you and have a nice day.